हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टार पे और मैं हूँ शुभ हेगड़े। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मेरा जेसीबी का हालत कैसे हो चुका है। दोस्तों, आप लोग पिछले 2 साल के पीछे आप देखे होंगे मेरा जेसीबी का हालत कैसा था, और आज देखिए इसका हालत कैसा हो चुका है। बकेट देखिए दोस्तों कैसे हो चुका है, पूरा इसका रंग ही बदल चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस, ये तो इसका कैबिन देखिए, पूरे रंग रंग तो बदल चुका है, और इसका बानेट भी पूरा हालत ख़राब हो चुका है, और ये वर्किंग स्थिति में तो नहीं है। फ्रंट बकेट भी देखिए, आप लोग देखिए ये पूरा टूट चुका है। दोस्तों यहाँ देखिए पूरा टूट चुका है, और आप सभी को मैं आज की वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा इसको अच्छी तरह से रिपेयरिंग करके। ओके, देखिए इसका हालत देखिए, इसका टायर देखिए पूरा टूट चुका है। दोस्तों इसका स्टेयरिंग कंट्रोल पूरा खराब हो चुका है, और देखिए पीछे देखिए इसका आर्म बूम बकेट देखिए, और इंजेक्शन ट्यूब में तो पानी तो पूरा ड्राई हो चुका है, और इसका वाइसर भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। और ये देखिए, ये तो वर्क तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और इसका स्विच भी था, इस ये लाइट तो जलता था इस स्विच को ऑन करने से, तो ये भी ख़राब हो चुका है। और लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इसको अच्छी तरह से रिपेयर करके अच्छी तरह से इसको वर्क कैसे करता है आप लोग को पूरा इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। मैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं हुई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और बेल बटन को दबाइए ताकि आपको आने वाले हर एक जेसीबी के रिलेटेड और ड्राइंग रिलेटेड सब कुछ आपको पहले ही मिलते रहेगा। और इसका ये देखिए दोस्तों, इसका ये किंग पोस्ट भी काम नहीं कर रहा है, वो अच्छी तरह से काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, और बस इसको अच्छी तरह से रिपेयर करते हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, फिर से इसको अच्छी तरह से पेंट करते हैं, और बस चलिए दोस्तों इसको लेके चलते हैं गैरेज को, और अच्छी तरह से ओके गाइस, मैं इसको गैरेज लेके आ चुका हूँ दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग कंट्रोल तो पूरा टूट चुका है और ख़राब हो चुका है। पहले इसको हम रिपेयर करते हैं एमसील को यूज़ करके, एमसील से अच्छी तरह से इसको चिपकाते हैं इसको, और स्टीयरिंग कंट्रोल को अच्छी तरह से रिपेयर करते हैं। बाद में अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसका लाइट वाइट सब कुछ अच्छी तरह से इसको देखी तरह से अच्छी तरह से बनाते हैं, और आप लोग देखते जाइए। पहले मैं इसको वॉश करता हूँ, वॉश करने के बाद इसका इंजेक्शन ट्यूब वगैरह और इसका कंट्रोल क्या क्या होता है, इसको अच्छी तरह से इसको पहले की तरह पूरा सब कुछ अच्छी तरह से इसको रिपेयर करता हूँ। आप लोग देखते जाइए बिना स्किप करके, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बस मिलते हैं गाइस, आप लोग देखते जाइए।
Can't take it. I wish I could.